आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरु जी का सत्संग करने के लिए, और तमाम हम लेक्चर्स देते हैं क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मगर गुरु जी का सत्संग जब भी मैं करती हूँ मुझे थोड़ी घबराहट होती है कि कोई तरह की त्रुटि मेरे सत्संग में ना रह जाए, कोई बात मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। और मैं गुरु जी से पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूँ कि अगर कोई त्रुटि रह जाए मेरे सत्संग में तो मुझे वो माफ़ करें। सबसे पहले तो मैं सारी जुड़ी संगत का जय गुरु जी करके स्वागत करती हूँ और अपना सत्संग मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो मेरा जो गुरु जी के साथ जुड़ाव शुरू हुआ वो एक्चुअली जून 98 में शुरू हुआ, और किस्मत हमारी थोड़ी ये कहिए कि खराब रही होगी, क्योंकि हमारे एक मामा जी जिनका गुरु जी ने बहुत कल्याण किया था, बहुत कल्याण किया था, वो हमारे पास 95 में भी आए थे कि तुम दोनों चलो गुरु जी के पास, मगर शायद हमारा बुलावा नहीं था, शायद वो वक्त हमारा नहीं आया था, हम गुरु जी के पास नहीं जा सके। और वो मामा जी हमारे इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे, इसका तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। हमारी शादी मेरी और आकाश अंकल की शादी नवंबर 91 में हुई थी, और एक या दो साल बाद, जैसे कि होता है, थोड़ा मेरा पढ़ाई चल रही थी, शुरू में मैंने एमफिल और अपना एमफिल मैंने एकदम शादी के बाद ही फिनिश करी, तो उसके बाद जब हमने संतान का प्रयास करना चाहा तो वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा था। एक आध साल तो हमने थोड़ा लाइटली लिया, डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ हुआ नहीं हुआ तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतना शुरू हुआ तो घबराहट होनी शुरू हुई। 94 हुआ, 95 हुआ, जब मामा जी हमारे पास आए पर हम नहीं जा सके। उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो जाती है कश्मीर, अराउंड दैट वाज अराउंड 97, और मैं भी उनके साथ ही वहाँ पर कुछ समय रही। मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टेम्प्रेरी जॉब थी और काफ़ी काफ़ी समय से मैं टेम्प्रेरी जॉब में थी। तो इस प्रकार हुआ कि जब हम वहाँ से लौटे, दैट वॉज जून 98, जून 98 में जिस दिन हम दिल्ली वापस आए उसी दिन मामा जी का संदेशा आ गया कि अब तो मैं तुम्हें गुरु जी के पास लेकर ही जाऊंगा, और शायद उस दिन हमारा बुलावा था, मामा जी आए, हम थोड़े थके भी हुए थे मगर हम उनके साथ बैठ के गाड़ी में हम चले गए गुरु जी के पास। तो जो मेरी पहली मुलाकात है गुरु जी के साथ वो एम्पायर एस्टेट में हुई, जबकि हमने सुना था कि गुरु जी पहले ग्रेटर कैलाश में भी बैठते थे, लेकिन वो मेरा हमारा सौभाग्य उधर नहीं प्राप्त हुआ जाने का, वो दैट वाज इन 95। तो जब हम 98 में एम्पायर एस्टेट पहुंचे तो वहां पर जब हमने एंटर किया, अगर संगत जी आप लोग गए हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे एंट्री है और गुरु जी का आसन थोड़ा मुड़ के लगा होता है। गुरु जी का आसन लगा हुआ था लेकिन गुरु जी आसन पे ना बैठ के बिल्कुल ही एंट्री के पास ही सामने जमीन पर ही कारपेट पर ही बैठे हुए थे। और जैसे ही हमने एंटर किया, चूंकि मामा जी को वो गुरु जी ऑलरेडी जानते थे, उन्हें ब्लेस किया हुआ था, तो उन्होंने पूछा मामा जी से कि ये कौन है, तो उन्होंने मामा जी ने इंट्रोडक्शन दिया कि मेरे सिस्टर के बहू और बेटा हैं और इनकी कोई इनका आप कल्याण करो। गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने धीरे से गुरु जी के कान के पास जाके कहा कि गुरु जी, अब मेरी शादी को करीब 7 साढ़े 7 साल हो चुके हैं और अभी तक मुझे संतान नहीं है।
गुरुजी ने एक ही बात बोली, हाजिरी लानी पड़ेगी, जो कि मुझे तब तो इतना समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि इसका अर्थ ये है कि हमें यहाँ पर रेगुलरली दरबार में आना है। तो चूंकि हम दोनों ही नौकरी में थे, तो ऐसा कुछ हुआ कि गुरुजी ने अपने आप से ही हमें कहा कि हफ्ते में एक बार आ जाएं, एक बारी आ जाएं चलेगा। और वो हमें बहुत सूट करता था, जब भी मेरे हस्बैंड का ऑफ डे होता था, क्योंकि वो एविएशन की ड्यूटी में थे और उनकी रोटेशन में ड्यूटी चलती थी, जिस दिन उनका ऑफ होता था, और चूंकि मेरी नौकरी तो आधे दिन की होती थी बींग अ लेक्चरर, तो मैं उनके साथ हमेशा आ पाती थी। जब भी वो फ्री होते थे हम दोनों पहुँचते थे। ऐसे करके धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, हम गुरुजी के दरबार जाने लगे, और ये हमारा एक ऐसा नियम बन गया जिसको हम बहुत, कभी हमने ब्रेक नहीं करते थे किसी भी चीज़ के लिए। और धीरे धीरे घर वालों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये लोग तो जाएंगे ही। लेकिन जो बहुत अजीब बात होती थी वो ये होती थी कि मैं जितनी बार भी हम जाते थे, गुरुजी मुझे ज़रूर कहते थे वो तेरा नी की ना आए, वो आंटी तेरा की ना आए। अब मैं कभी कभी, मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता था कि अब मुझे आते हुए लगभग 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए हैं, गुरुजी हर हफ्ते मेरा नाम पूछते हैं, ऐसा क्यों? पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा नाम गुरुजी को याद नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बहुत लोगों के नाम तो गुरुजी को ऐसे ही रटे पड़े हैं। किस किस अंकल आंटी का नाम गुरुजी ऐसे ही ले लेते हैं, उनके घुसते ही उनको नाम से बुलाते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं गुरुजी को याद हो रहा? तब मुझे संगत में एक सीनियर कुछ लोग होते थे, तो मैंने एक बार उनसे ये सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि जितनी बार गुरुजी तुम्हारा नाम बुलवाते हैं तो गुरुजी तुम्हारी नाम की हाजिरी दरबार में लगा रहे हैं। अब वो इसके बियॉन्ड मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा कि वो गुरुजी के अपने दरबार में है या गुरुजी ऊपर किसी दरबार में लगा देते हैं हमारी हाजिरी। हमारे लिए तो गुरुजी ने खुद ही भगवान का स्वरूप धार रखा था, और ये हमें धीरे धीरे इतने अच्छे से समझ में आया, क्योंकि जैसे कि सब कहते हैं कि गुरुजी शिव का अवतार हैं, और शिव के लिए जो कहा जाता है कि वो भोले शंकर हैं, शिव का जो ये कहा जाता है कि वो भोले शंकर हैं, वो क्यों कहा जाता है? वो केवल इसलिए कहा जाता है कि वो वाकई बहुत भोले होते हैं, वो बहुत भोले हैं, और अगर आप दिल से पूरी श्रद्धा के साथ जब आप शिव से किसी भी चीज़ की गुहार लगाते हैं, कोई भी अपनी इच्छा या अपने किसी कल्याण के लिए आप उनसे प्रार्थना करते हैं, वो एक ऐसे भगवान माने जाते हैं जो आपकी बात को पूरा करते हैं। और गुरुजी का यही रूप मैंने जिंदगी भर, जब से हम जुड़े हैं, हमने ये देखा है कि जब हमने कुछ भी मांगा वो हमें मिला है। और संगत जी, मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगी कि गुरुजी भी कहते थे कि जब चप्पल बाहर उतारो, अब तो हम मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन जब भी हम गुरुजी के दरबार में खड़े होते हैं, तो जितना भी बट, परंतु, लेकिन, किंतु, इस तरह के जो मन में विचार या किसी भी तरह के प्रश्न या दुविधा या डाउट्स, आपको वो सब बाहर रखने पड़ेंगे। और जब आप टोटल सरेंडर के साथ जब आप गुरुजी से जुड़ते हो, तो आपको मनचाहा जो आपकी इच्छा होती है गुरुजी कल्याण के स्वरूप में आपको वो देते हैं। और ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमारा गुरुजी से जुड़ाव हुआ और क्या क्या नहीं हमने पाया। तो जैसा कि मैं बात ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ कि जब 98 की बात है, जब गुरुजी से मुलाकात हुई और गुरुजी ने कहा हाजिरी लगानी है, और हाजिरी लगाते हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुके थे हमें गुरुजी के दरबार में जाते हुए। तो एक दिन वहाँ पर रेखी अंकल हैं, बहुत ही प्यारे अंकल, अब मुझे पता नहीं वो हैं कि नहीं है, बट एन एक्सट्रीमली जेंटलमैन, अ थोरो जेंटलमैन।
तो रेखी अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे, तो वो अक्सर मेरे पास आके यही बात पूछते थे, गुरुजी ने तेरा कल्याण नहीं किया अभी? हल्ले कल्याण नहीं किया? तो मैं बड़ी मायूस होके यही कि नहीं, अभी मेरा कल्याण नहीं हुआ। तो उन्होंने एक दिन, लगभग 1 साल हो चुका होगा हमें वहाँ जाते हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि चल मैं तेरे को ना आज लेके गुरुजी के पास चलता हूँ। और वो बहुत क्लोज थे गुरुजी के, इन द सेंस कि वो जाके बड़े आराम से गुरुजी से बात कर लेते थे, हम लोग तो हिम्मत भी नहीं कर पाते थे किसी भी तरह से, अनलेस गुरुजी खुद ही कॉन्वर्सेशन कर लें। थोड़ा बाद में हिम्मत बनने लगी थी, लेकिन शुरुआत में हमें बहुत डर लगता, मतलब डर इन द सेंस कि गुरुजी का चेहरे का नूर जो होता था और जो एक ऑरा होती थी उसमें खलल डालने की हिम्मत नहीं होती थी। तो मैंने सोचा आज तो रेखी अंकल मेरा कल्याण करवा ही देंगे, और मैं रेखी अंकल के साथ साथ उनके पीछे पीछे थोड़ा छिपके पहुंची गुरुजी के पास। और रेखी अंकल ने कहा कि गुरुजी ऐदा कल्याण क्यों नहीं कर दे तुसी? तो गुरुजी ने पहले तो मेरी तरफ देखा और रेखी अंकल की तरफ भी देखा, और उन्होंने सिर्फ मुझे कहा दौड़ जाए तो बढ़िया ही अप्रोच लान लगाने वाली, मेरी पंजाबी थोड़ी गड़बड़ है, तो बढ़िया ही अप्रोच लगाने वाली। अब ये सुनना था मेरे तो हाथ पैर फूल गए, और मैं तो वहां से सच में ही भाग गई और बाहर जाके खड़ी हो गई। थोड़ी देर रेखी अंकल गुरुजी से बात करते रहे, और वो थोड़ी देर बाद बाहर आए और उन्होंने मुझे तब एक बात बोली कि बेटा हर चीज़ का ना एक वक्त है, और गुरुजी को ही पता है कि वो कौन सा वक्त है जब तुम्हें तुम्हारा कल्याण करना है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हें दरबार में आते हुए इतने दिन हो गए और तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, इस तरह के डाउट्स मन में मत लाना। जस्ट वेट फॉर, जब वो कल्याण होगा तो तुम्हें खुद भी नहीं पता लगेगा। और इस तरह से ऐसा नहीं है कि जो ये दौर चल रहा था जब हम गुरुजी के दरबार में जा रहे थे तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिसमें कि, जैसे मैं बताऊं कि नवंबर 98 में मेरा परमानेंट अपॉइंटमेंट होना था हिंदू कॉलेज में, मैं पढ़ाती हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ आज। तो 98 में मेरा अपॉइंटमेंट होना था, और लगभग 4 साल से मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ा रही थी, और चूंकि हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत प्रीमियर कॉलेज माना जाता है, तो जब भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होते हैं तमाम तरह की पॉलिटिक्स चलती है, और कई बारी जो कैंडिडेट वहाँ पढ़ा रहा होता है चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कई बार डिसलोकेट हो जाता है और किसी और का अपॉइंटमेंट हो जाता है जो कि कई बार पॉलिटिकल होता है। तो मुझे इस बात का बहुत डर था, तो मैं हिम्मत करके जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उससे एक दिन पहले मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी कल मेरा परमानेंट जॉब का अपॉइंटमेंट है, आप आशीर्वाद दो। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ से कर दिया, हो जाएगा। तो वो एक एक तो वो कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा। तो अगले दिन जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आई, तो आप मानेंगे नहीं, नॉर्मली हमारे एक एक पोस्ट के लिए कम से कम 300-300, 400-400 लोग अपियर होते हैं इंटरव्यू के लिए, और क्या चलता है अंदर कुछ नहीं पता होता, पूरा पैनल बैठता है, वो हर सब अपने अपने कैंडिडेट्स का लेकर आते हैं, बार्गेन होती है, काफ़ी कुछ होता है, मतलब ये बिल्कुल इनसाइड स्टोरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्या सारे यूनिवर्सिटी सिस्टम की। तो ऐसा हुआ कि उस दिन कैंडिडेट्स बहुत कम आए, तो यहाँ तक कि पैनल को लगा कि शायद ये कॉलेज इसी कैंडिडेट को अपॉइंट करने में इंटरेस्टेड होगा, तो इन्होंने शायद चिट्ठियाँ नहीं भेजी होंगी। तो उन्होंने वो रजिस्टर मंगवाया जिसमें कि डिस्पैच हुए थे, और उन्होंने देखा कि सारे कैंडिडेट्स को डिस्पैच हुआ था लेटर, और उन्होंने थोड़ी देर के लिए इंटरव्यूज़ को पोस्टपोन किया कि एक एडिक्वेट नंबर आ जाए। अगर 400 चिट्ठियाँ भेजी गई हैं तो कम से कम 50-60 लोग तो होने चाहिए, इतने सारे कैंडिडेट्स कहाँ चले गए, और वो भी हिंदू कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ी देर वेट किया, लेकिन वेट किया, 8-10 लोग वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने वेट करने के बाद ये डिसीजन लिया कि अब एक सफिशेंट नंबर है, 50-60 लोग हो चुके थे, उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम इंटरव्यूज शुरू करते हैं। इंटरव्यूज हुए, मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, और नॉर्मली जैसे 400 लोगों का जब इंटरव्यू होता है तो वो 3-4 दिन पे चलता है, और
रिजल्ट भी उतने ही डिलेड आते हैं, लेकिन गुरु जी की मेहर, उन्होंने रात को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। मुझे 9 बजे पता लग गया कि मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है। तो ये तो जैसे गुरु जी, जैसे होता है ना कि आप कोई बड़े कल्याण के साथ साथ ये छोटे मोटे कल्याण तो आपके वैसे ही होते रहते हैं गुरु जी के साथ जुड़ने से। तो ये एक इंसिडेंट है। उसके अलावा हम दोनों एक यंग कपल ही थे, मैं कहूँ तो उस टाइम पे हार्डली 30 इयर्स, 32 इयर्स। तो हमने अपनी पहली प्रॉपर्टी ली, जो कि अपने आप में एक उस टाइम के लिए हमारे लिए माइलस्टोन था, क्योंकि सैलरीज उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी द डिसीजन टू गेट इट एंड बाय इट वॉज इन इट सेल्फ क्वाइट अनयूजुअल फॉर अ यंग कपल लाइक अस। तो वो हमने एक प्रॉपर्टी भी बनाई गुरु जी के आशीर्वाद से। और एक इंसिडेंट जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी बिफोर आई गो ऑन टू द मेन वन, कि एक बारी हम शिमला से लौट रहे थे, हम दोनों काफ़ी घूमते थे, तो हमारी मारुति 800 थी, हम दोनों गए हुए थे शिमला। और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो मतलब मैंने आंखें बंद कर रखी थी और गुरुजी के शब्द चल रहे थे और बिल्कुल मस्त ये गाड़ी चला रहे थे, तो इतने में मुझे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दिया। खिड़कियाँ खुली हुई थी मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ा ठंड का टाइम, ये ठंड था या मुझे अब ध्यान नहीं है एग्जैक्टली क्या टाइम था। तो मुझे बहुत तेज़ शोर आया बाहर से, अरे क्या हो रहा है, मरेंगे मरेंगे। मेरी एकदम आँख खुली है और मैंने देखा कि आई थिंक जो राइट साइड पे रोड का रिपेयर हो रहा था, जो मेन हाईवे था, और उन्होंने डाइवर्ट कर रखा था ट्रैफिक, और फर्स्ट लेन में हमारी गाड़ी चल रही थी, काफ़ी स्पीड पे चल रही थी। और वो एक ट्रक, मेरी जब आंख खुली तो मैंने सामने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक हमारी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, और इस तरफ पे हमारे ट्रेलर चल रहा था, तो हम सेकंड लेन में भी नहीं जा सकते थे। ये बड़ा सा ट्रेलर था, बहुत ऊंचा, जिसके टायर का साइज ही हमारी गाड़ी के साइज का था। मुझे नहीं पता उस टाइम पे हमने जय गुरु जी मैंने बोला, और मेरे हस्बैंड के भी दिमाग में यही आया कि गुरु जी बचाओ। और आप मानेंगे नहीं कि एक स्प्लिट सेकंड के लिए एक ऐसी विंडो पीरियड उसमें आया, एक 2 या 4 सेकंड का एक ऐसा गैप आया कि ट्रेलर हमसे थोड़ा सा पीछे हुआ, मेरे हस्बैंड ने स्पीड बढ़ाई और उन्होंने उस ट्रेलर के आगे अपनी गाड़ी लगा के एकदम से, मतलब लास्ट मोमेंट पे हमने ट्रक से हेड ऑन कोलिजन को बचाया, विच वॉज डेफिनेटली समथिंग दैट गुरु जी हैड डन। और उन्होंने यहाँ बैठे हमें कई सारे अंकल आंटी ने बताया कि गुरु जी ने कहा कि आज मैं पूनम अंकल और आकाश, पूनम आंटी और आकाश अंकल को मैंने बचाया है। तो ये तो एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि बिल्कुल मेरे, अभी भी मैं अगर सोचती हूँ तो मेरा दिल धड़कने लग जाता है। तो इस तरह के तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी हमारा ध्यान उन्होंने हमें अपने हाथों में उठा रखा था। लेकिन जो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक हमारा जो एक मेन टारगेट था कि हमें संतान की कब प्राप्ति होगी, वो सवाल हमारे मन में लगातार बना हुआ था। तो एकदम से ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का सिलेक्शन हुआ एक MBA के कोर्स के लिए। MBA का वो ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है उसका, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने पार्ट पे ही उसको करती है, अपने ही ऑफिसर्स के लिए करती है, बट लॉट ऑफ ऑफिसर्स अपीयर फॉर इट। तो मेरे हस्बैंड भी अपीयर हुए और इनका उसमें सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन का मतलब ये था कि वो फुल्ली रेजिडेंशियल कोर्स था और इनको घर छोड़ के वहाँ जाना था। और गुरुजी की आज्ञा से हम लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था। गुरुजी ने कहा कि अभी आप अपना ट्रीटमेंट बंद नहीं करेंगे। तो ट्रीटमेंट तो खैर बहुत पहले से ही चल रहा था और कोई सक्सेस नहीं थी, लेकिन फिर भी हम गुरुजी की आज्ञा के हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट चला रहे थे। अब मुझे सबसे पहले तो ये चिंता हुई कि अगर मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो ये तो ट्रीटमेंट तो 1 साल के लिए पूरा गया, क्योंकि उसमें जो भी अवेयर हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से वो ये जानेंगे कि इसमें हॉस्पिटल आपको जाना पड़ता है, जिसमें आपका ओव्यूलेशन वगैरह मॉनिटर होता है और
जरूरत पड़े तो कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस भी लगते हैं, एंड देन देयर आर डेज यू नो व्हेन यू हैव टू मॉनिटर योर सेल्फ. तो वो काफ़ी एक प्रोसीजर होता है और हर महीने वो आपका चलता है. तो मुझे लगा कि अब तो ये एक साल की कहानी इधर उधर हो गई, ये तो अब होता नहीं. और आगे गया एक साल से. तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप रहने दो इसको, ये एमबीए का प्रोग्राम रहने दो, हमारे लिए अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है. तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो, कंपनी ने मुझे चुना है और इस तरह से मेरी भी एडवांसमेंट है, करियर एडवांसमेंट भी है, मेरी एजुकेशनल एडवांसमेंट भी है, तो शायद मैं जाऊंगा. तो हम दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन सी हो गई, और जैसा कि हम बहुत ही छोटे बच्चों जैसे होते थे उस टाइम पर, एक ही हमारे पास तरीका होता था कि जाएंगे गुरुजी से पूछ लेते हैं. तब तक थोड़ी थोड़ी हिम्मत आने लगी थी, हम गुरुजी से बात कर लेते थे. तो यही हुआ कि हम जाएंगे और हम गुरुजी से ही पूछेंगे, और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी यही कहेंगे, क्योंकि हम जिस पर्पस के लिए जा रहे थे तो मुझे लगा कि गुरुजी मेरा ही साथ देंगे और कहेंगे कि नहीं तू रहने दे. और जब हम जाते हैं गुरुजी के पास तो इन्होंने मत्था टेका और इन्होंने गुरुजी को जब बताया कि गुरुजी इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्या करें, तो गुरुजी ने कहा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस. और गुरुजी कभी कभी बहुत उम्दा इंग्लिश बोलते थे और बहुत अनयूजुअल उनकी स्टेटमेंट्स होती थी. तो उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए. और इनके पीछे मैं खड़ी हुई थी, मेरा एकदम मन बहुत उदास हो गया कि गुरुजी ने आज इनकी बात कैसे कर दी. और मुझे लगता था कि मेरी बात ज़्यादा सुनते हैं गुरुजी. और जब मैंने मत्था टेका तो मैंने कहा कि गुरुजी ये सबसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. कहते क्यों? मैंने कहा गुरुजी ये एक साल के लिए चले जाएंगे तो ट्रीटमेंट का और सब चीज़ों का क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा कि, मतलब गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, गुरुजी ने मुझे कहा कि चल तेरा भी कल्याण कर देता है. मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरा क्या कल्याण गुरुजी ने कर दिया, इनको भेज दिया है, ये कल्याण हो गया, मेरा कैसे कल्याण हो गया. वो हर चीज़ आपको उस समय नहीं समझ में आती थी. उसके बाद वो बात मुझे बहुत जल्दी तब समझ में आई जब वो मंथ का एंड आया और एक माइनर IUI ट्रीटमेंट करवाया था हमने, जो कि हमारा पहले भी चल रहा था. तो वो IUI ट्रीटमेंट उस महीने मेरा सक्सेसफुल हुआ एंड आई बिकेम प्रेग्नेंट. तो वो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं, कोई एक व्यक्ति जो 9 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहा हो और तमाम कोशिशों के बावजूद सारी मेडिकल हमने अपने कर लिए थे प्रयास, कुछ नहीं हो रहा था, और फिर एकदम से वो चीज़ हो जाती है, इनका सिलेक्शन हो जाता है, मैं कंसीव कर लेती हूँ. तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमें समझ नहीं आई कि हम इसको कैसे रिएक्ट करें. तो हमें एक ही चीज़ समझ में आई कि भागते हैं और गुरुजी के साथ शेयर करते हैं. और जैसे ही पहला मौका मिला, क्योंकि इनको वापस जाना पड़ा, तो जैसे ही वापस आए हम दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए चले, और हम बहुत खुश थे कि आज हम गुरुजी को ये खबर देंगे तो गुरुजी भी कितने खुश होंगे. हम वहाँ पहुँचते हैं एम्पायर एस्टेट, हम लाइन में लगे हुए हैं, सारी संगत मत्था टेक रही है. जब हम दोनों की बारी आती है तो मेरे हस्बैंड ने बोला तू ही बताना गुरुजी को. और मैंने अभी गुरुजी के चेहरे की तरफ देखा ही था बताने के लिए, गुरुजी ने मुझे कहा मैनू पता है हल्ली किसी ने नहीं दसना, मतलब कि मुझे पता है और अभी किसी को नहीं बताना. और मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी को कैसे पता लग गया. लेकिन ये तो अब तो हमें सब समझ में आता है कि गुरुजी सबका एक्सरे होता रहता था वहाँ पे, सबका एक्सरे होता था, जब जो आता था वहाँ पर उसका एक्सरे होता था. कितनी बार ऐसे होता था कि कोई आता था, जब मुझे याद है, जो मैं बार बार सत्संग में सुनाती हूँ क्योंकि वो मैंने बिल्कुल अपने आँखों के सामने और कानों से मैंने सुना था,
कि नलिनी सिंह आई, वो जर्नलिस्ट उस टाइम की बहुत ही मतलब रिनाउंड जर्नलिस्ट थी, आज भी है, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत सनसनीखेज खबरें निकालती थी। तो वो आई गुरुजी से मिलने के लिए, और अभी वो लाइन में ही थी तो वहाँ थोड़ा शोर मच गया, नलिनी सिंह आई है, नलिनी सिंह आई है। वो मुझे अभी रिसेंटली मुझे सत्संग करते हुए ही पता लगा कि वो अरुण शौरी की, शौरी जी की वाइफ थी, सॉरी सिस्टर थी। और अरुण शौरी जी तो वहाँ पर बहुत पहले से आते थे और उनके साथ तो हम काफ़ी शेयरिंग भी करते थे, सत्संग वगैरह करते थे। और अरुण तो जब नलिनी सिंह अंदर एंटर कर रही थी तो गुरुजी के ने कहा कि ए मैनू टेस्ट करना आई है। और ये बात मैंने सुनी और उसके बाद मुझे थोड़ा हंसी भी आई कि गुरुजी को कौन टेस्ट कर सकता है। लेकिन गुरुजी अपना मौज में जब होते थे तो बहुत इस तरह की बातें कहते थे। तो नलिनी सिंह आई और वो आके बैठी, उन्होंने भी मत्था टेका और वो बैठी। और सच बात बताऊं, उसके बाद हमने देखा कि नलिनी सिंह वहाँ रेगुलरली आनी शुरू हो गई और वो भी गुरुजी की फॉलोअर हो गई। और इस तरह से तमाम ऐसे VIPs, प्रोमिनेंट लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सैम मानेक शॉ मैंने वहाँ देखे। और मतलब उस तरह से हमारी भी किस्मत यूं खुली कि हमने भी ऐसे ऐसे लोगों से हमारी वहाँ मुलाकात हुई जिनसे शायद नॉर्मल कोर्स में हमारी मुलाकात होनी मुश्किल थी। तो गुरुजी का दरबार ऐसा था और सबके लिए बराबर। जब लंगर लगता था, आपको नहीं पता कि आप किस थाली में बैठोगे, आपके साथ कौन लंगर ले रहा होगा। इतना इक्वलाइजर था वहाँ, इतना लेवलिंग लेवल प्लेइंग फील्ड थी। जहाँ आप खड़े हो, जहाँ आप बैठे हो, जस्ट मुड़ो और आपके बीच में वो लंगर की चटाई लग जाएगी। तो आप कितना भी प्लान कर लो कि मैं शायद इसके साथ खाऊंगा या मैं उसके साथ खाऊंगा, नहीं, आपके साथ कोई भी हो सकता था। और वो वही वक्त था कि लंगर की थाली आती थी और चार लोग, जैसे आज भी है, चार लोग उसमें मिलकर खाते थे। लेकिन वो वाला वैसा भी वक्त था जब कई बार गुरुजी ऐसे भी कर देते थे, गुरुजी वहीं बैठे रहते थे जिस टाइम लंगर चलता था, और गुरुजी ऐसे किसी किसी की थाली में चार रोटी और डलवा देते थे। वो ऑलरेडी खा चुका है, पेट आपका भर चुका है, मन भर चुका है, लेकिन वो और डलवा देते थे और वो आपको खानी होती थी। और उसी में आपका इलाज होता था, उसी में आपकी दवाई होती थी आपके जाने बिना, और उसी में आपका कल्याण हो रहा होता था। ऐसे ऐसे लोग जो मिर्ची का एक कण नहीं खा सकते, वो उन्होंने वहाँ बैठ के मिर्चों की भरी हुई सब्जियाँ खाई हैं, चटनियाँ खाई हैं। जिनको मीठा खाना मना था, वो इतना इतना हाथ भर के हलवा खाते होते थे वहाँ पर। और गुरुजी की एक खास बात की, तब गुरुजी खुद अपने हाथ से सबको प्रसाद दिया करते थे, कड़ा प्रसाद होता था, जो कि आपको मत्था टेकने के बाद आप थोड़ी देर बैठते थे, शब्द गुरबाणी चलती थी और उसके बाद गुरुजी प्रसाद बांटना शुरू करते थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लंगर प्रसाद होता था और फिर उसके बाद आपको छुट्टी मिलती थी। तो ये एक प्रोसेस था वहाँ पर। तो जब हलवा मिलता था तो वो इतना बड़ी थाल में गुरुजी के पास वो लगा होता था और गुरुजी ऐसे ऐसे एक एक हाथ से देते जाते थे और हम दो दो हाथों से लेते थे और वहीं खड़े होके हम उसको खाते थे। और जो कि कहा जाता था कि आपको यहीं खाना है, आपको ना घर बचा के ले जाना है ना कहीं ले जाना है। तो ऐसी इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट ये है कि जब हमें जाते हुए काफ़ी टाइम हो गया और ऐसे मुझे खाते हुए काफ़ी हलवा लंबा समय हो गया, तो एक दिन जब हम घर से चले तो मैंने बोला कि काफ़ी अब हम ना घी और मीठा बहुत खाने लगे हैं जब से हम गुरुजी के दरबार में जाने लगे हैं। तो गुरुजी ऐसा क्यों नहीं करते कि कभी-कभी कुछ चेंज भी करना चाहिए। ऐसे मैंने एक मन में इच्छा प्रकट करी कि मीठा बहुत खा लिया है। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस दिन जब मैंने दरबार में एंट्री ली तो उस दिन परात में समोसों का ढेर लगा हुआ था और गुरुजी ने तीन तीन चार चार समोसे, कोई एक समोसा नहीं, तीन तीन चार चार समोसे संगत को पकड़ाए। और उस दिन हमने
समोसे खाए और मुझे पहली बार, मैं सच बताऊं कि अगर मैं सोचती हूँ तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी इतनी छोटी छोटी हमारी इच्छाओं को तो ऐसे ही पूरा कर देते थे। बड़ी इच्छाओं की तो बात ही क्या है, वो तो सब हमें मिला ही है दरबार से। तो ऐसे ऐसे तो हमारे गुरुजी थे कि मतलब इस तरह से हमारी इच्छाओं को इतना ध्यान रखते थे कि आज चलो इसका मन ये कर रहा है खाने का तो आज इसको यही खिलाया जाए। तो इस तरह से ये एक मतलब एक फर्स्ट फेज है मेरी लाइफ का। फिर मेरा जो जो गुरुजी ने करीब 6 महीने बाद जब मैंने उनको बताना चाहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, आपने मेरा कल्याण कर दिया है, उन्होंने 6 महीने बाद जाके मुझे एक दिन बोला कि पूनम आंटी आज तू सत्संग करेगी। तो वहाँ कभी कभी सत्संग हुआ करता था, हर समय नहीं होता था। कभी कभी गुरुजी को मौज आती थी, वीकेंड्स होते थे या कोई खास ही, कभी कभी गुरुजी बहुत मस्ती के मूड में होते थे तो उस दिन सत्संग होता था। और सत्संग में हमने इतनी इतनी मज़ेदार और इतनी इतनी अजूबे और इतने इतने ऐसी ऐसी हम सत्संग सुनते थे कि मतलब समझ आता था कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और कितनी हमारे ऊपर कृपा है। तो उस दिन मैंने जब सत्संग किया तो संगत जी, पूरी संगत ही मेरे साथ मेरे ख्याल से रो रही थी उस दिन, क्योंकि मेरा भी मन बहुत भारी हो गया था उस दिन। भारी इन द सेंस कि शेयर करते हुए कि मुझे पहली बार कि जहाँ तमाम मेडिकल साइंस फेल हो गई वहाँ कैसे गुरुजी ने सिर्फ शब्दों से, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ गुरुजी ने मुझे कहा दरबार आना है और दरबार में भी आके हमने क्या करना है, बैठना है, लंगर खाना है और अपने घर को जाना है। हमने कुछ भी नहीं करना, कोई हमारी तरफ से सेवा नहीं थी, कुछ नहीं था और इतना हमने पाया। तो वो एक मतलब वो दिन बहुत ही सुंदर था। और उसके बाद मेरा जो बड़ा बेटा है वो 31 जनवरी 2001 को पैदा हुआ, और जब 40 डेज या जो भी एक मिनिमम वो सूतक का समय होता है उसके बाद हम, मैं और मेरे हस्बैंड अपने बेटे को लेके गुरुजी के दरबार गए कि गुरुजी आप इसे ब्लेस करो, ये तो आपने ही दिया है। तो गुरुजी ने ब्लेस किया उसको और हाथ के हाथ ही मुझे गुरुजी ने बोला एक मुंडा होर ले ले। अब ये मेरे को एकदम से ना समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ये क्या कहा कि एक मुंडा होर ले ले, और मेरे दिमाग में ना कई तरह के सवाल जैसे एकदम से कौंधे की, क्योंकि मेरे साथ ना और भी बहुत सारे कपल्स थे जिनको गुरुजी ने ब्लेस, जो इसी चीज़ के लिए गुरुजी के पास आ रहे थे अपने कल्याण के लिए, 3-4 तो मेरे साथ ही, मतलब हमने आगे पीछे ही कंसीव किया होगा और हुए, लेकिन फिर भी कुछ एक दो कपल्स थे जिन जिन शायद जिनका टाइम उस टाइम नहीं आया होगा तो वो अभी वेट कर रहे थे इस कल्याण का। और मैं भी जितनी नादान और जितनी मेरी समझ थी तो मुझे लगा कि ये थोड़ा लालच हो जाएगा, मुझे तो अभी गुरुजी ने ब्लेस कर ही दिया है तो पहले गुरुजी और लोगों को दे दें और कोई बात नहीं है। और मुझे ये भी लगा कि शायद जिस तरह से थोड़ा बहुत मुझे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़े, ये ना हो कि मुझे दूसरे के लिए भी काटने पड़े और अब मेरे लिए यूं मुश्किल होगा कि अब मेरे पास एक छोटा बच्चा है, मैं उसको छोड़ के शायद ना जा पाऊं। तो मैंने कोई ना हाँ भरी ना ना भरी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बात आई गई होगी उस दिन, और उसके बाद मेरा थोड़ा जाना कम हो गया क्योंकि ये पौरुष बहुत ही छोटा था और अंकल जाते थे लेकिन मैं थोड़ा कम जा पाती थी। लेकिन मैं जब भी गई, जब भी गुरुजी का एक ही बात गुरुजी बोलते थे, एक मुंडा होर ले ले, एक मुंडा होर ले ले। और मैं अपना वही चुप मार के बैठी हुई थी। तो लगभग जब मेरा बड़ा बेटा 1 साल का हुआ तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड के एक पोस्टिंग के ऑर्डर्स आए कैलकटा के, और वो जो पोस्टिंग थी वो थोड़ी सी अच्छी पोस्टिंग नहीं मानी जाती थी, इन द सेंस कि वहाँ पर काफ़ी वायलेंस होती थी और
जो वहाँ का कुछ इंसिडेंट्स वहाँ हो चुके थे और उसमें ऑफिशियल्स के ऊपर भी अटैक भी हो चुका था जिसमें वो काफ़ी इंजर हो गए थे ऑफिशियल्स, तो वो पोस्टिंग समहाउ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे वहाँ जाने में, खास करके जब एक छोटा बच्चा घर में तभी नया ही आया था और थोड़े मेरे इन लॉज की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, रिप्रेजेंटेशन दिया और हायर ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट करी कि ये पोस्टिंग को मेरे आप कैंसिल कर दो किसी भी तरीके से, लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ और बड़े मायूस होके ऐसा हो गया कि इनको शायद जाना ही पड़े। और जब ये तय हो गया कि इनको शायद जाना ही पड़े, तो जैसा कि हमारे घर का रिचुअल था कि चलो अब आज जाके मत्था टेक आते हैं गुरुजी के पास, तो हम गुरुजी के पास गए और इन्होंने मत्था टेका और इन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे मैं 1 या 2 दिन में मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। तो पहले तो गुरुजी ने कहा कि जाओ मच्छी खाओ, तो हमें थोड़ा सा लगा कि हम तो मछली खाते नहीं, मतलब वी आर वेजिटेरियंस, तो ये गुरुजी ने मछली खाने की बात कहाँ से कर दी, और जाने के लिए भी कह दिया, तो मन थोड़ा सा वो हो गया और ये सुन के ये हट गए वहाँ से। और आई फिर मेरी बारी, तो जैसे ही मैं झुकी तो गुरुजी ने फिर वही बात, एक मुंडा होर ले ले। तो मुझे लगा कि अब ये तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर ये कलकत्ता चले गए तो मुंडा की वह होवेगा, तो थोड़ा सा ऑड था वो मोमेंट, लेकिन मैंने हिम्मत करके कह दिया। तो गुरुजी ने फिर आकाश अंकल को बुलाया, कहते हैं ओए इधर आ, कुछ ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हो गई है कि मतलब जो मैंने जो बात बोली थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तो गुरुजी बोले तो फिर ना पोस्टिंग कैंसल, तो एक मुंडा होर ले लो तुसी। और हमने हाथ जोड़े कि ठीक है गुरुजी, ये अगर ये डील है ना तो ठीक है। मैं हाँ, मैंने उस दिन हाँ मन में अपने हाँ बोला गुरुजी को, मत्था टेका और हम घर की तरफ चल पड़े। कुछ मतलब बात का कोई हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट समझ नहीं आया जो गुरुजी ने कहा, सिवाय इसके कि हाँ एक मुंडा होर ले ले, और वो गुरुजी काफ़ी टाइम से कह ही रहे थे। फिर हम घर आ जाते हैं, सुबह सुबह करीब 7 साढ़े 7 बजे मेरे हस्बैंड को फ़ोन आता है बॉम्बे हेडक्वार्टर्स से किसी सीनियर ऑफिशियल का, और उन्होंने कहा कि हमने आपकी जो करंट पोस्टिंग है उसको फ़िलहाल स्टैगर कर दिया है, यानी कि मतलब अभी आपको उस पोस्टिंग पे नहीं जाना है और इसके बारे में आप किसी से बात नहीं करेंगे और आप अपने करंट पोस्टिंग पर ही काम करते रहेंगे, और फ़िलहाल आपका पोस्टिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। पहला तो हमें यही समझ में आया कि गुरुजी ने पोस्टिंग कैंसिल कर दी, जो कि हम पूरा पूरा कोशिश कर चुके थे क्या हुआ, और वो आज तक उस फाइल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है रिकॉर्ड्स में, वो फाइल कहाँ गई, वो ऑर्डर्स कहाँ गए, हमें नहीं पता। तो और जो उसका सेकंड पार्ट था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो मुझे पता लगा उस मंथ के एंड में। और अब आप ये देखिए कि अब मैं कोई हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, मैंने कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं ली है, मैंने कोई स्पेशल एफर्ट नहीं किया, लेकिन उस मंथ एंड में मैंने दोबारा कंसीव किया। और फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ 1 दिसंबर 2002 में, तो दोनों के बीच में 1 साल और 10 महीने के आसपास का डिफरेंस है। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे दो बेटे दिए, और बहुत सारे कपल्स थे वहाँ पे जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया और उनके भी हुए, किसी किसी के तो तीन तीन बच तीन ट्रिपलेट्स हो गए, और वो भी एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो उनके जब ट्रिपलेट्स हुए तो वो ऑब्वियस एक बात है कि जिसके घर में ट्रिपलेट्स हुए उनके तो हैंड्स आर फुल, यू नो, वो गुरुजी के शायद दरबार में आ नहीं पाए या क्या हुआ उनका टाइम थोड़ा ज़्यादा, तो गुरुजी ने उनको मैसेज भिजवाया कि अगर तुम मत्था टेकने इधर नहीं आए ना तो मैं 3
ट्रिपलेट्स और दे दूंगा तुमको। और वो हमें पता है कि वो फिर तुरंत भागे हुए आए और उन्होंने गुरुजी के मत्था टेका और गुरुजी को कहा कि बस इतना ही कल्याण बहुत है। तो ये मतलब इस तरह की कई बारी बहुत अच्छी और सुंदर बातें भी होती थी जो कि हमारे अब मेमोरीज हैं एक तरह से। तो ये मेरे दोनों बेटे, अभी मैं उनके बारे में बता दूं कि अभी वो दोनों इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं हिंदू कॉलेज से, मेरा ही कॉलेज है, और एक सेकेंड ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है। और गुरुजी की बहुत कृपा है, और गुरुजी आगे भी उनके ऊपर मेहर बनाए रखेंगे। तो ये तो मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसको मैं कितनी भी बार शेयर करूं और कितनी भी बार गुरुजी का शुक्राना करूं वो कम है, वो बहुत कुछ भी नहीं है। ऐसा गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी को टर्न अराउंड किया, मेरे जीवन के जो कुछ ऐसे पड़ाव आ गए थे जिन्होंने मेरे जीवन से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि रस ही हटा दिया था, वो गुरुजी ने मुझे वापस दिया। और इतना वो सुंदर वक्त था उस टाइम पे जब हम गुरुजी के दरबार में जाते थे और आनंद लेते थे लंगर का, सत्संग का, शब्द का, गुरबाणी का, गुरुजी के साथ का, गुरुजी के दर्शन का। और गुरुजी के दर्शन को लेके भी जो मेरे मन में एक एपिसोड याद आता है कि जब हम थोड़े से पुरानी संगत हो गई, तो जब जब मैं हमने जाना शुरू किया था तब दिल्ली की संगत बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, कम होती थी, और पंजाब की संगत बहुत होती थी। लेकिन पंजाब की संगत रोज़ तो नहीं आ सकती थी, तो वो जब जब मौका होता था, गुरुजी का बर्थडे हो गया, महाशिवरात्रि हो गई, वो तब आते थे। तो मुझे ध्यान पड़ता है कि एक बार जब मैं ऐसे हम लोग गए तो मैंने मैंने बोला गुरुजी ने ना क्या करना शुरू किया कि गुरुजी ऐसे बोलते थे जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाके बैठे, एम्पायर स्टेट में अगर आप लोग गए हुए हैं तो ऊपर भी कुछ सीटिंग अरेंजमेंट था और नीचे अरेंजमेंट होता था। शुरू में तो हमें नीचे ही जगह मिल जाती थी, लेकिन बाद में ऐसे होने लगा, गुरुजी ने बोला कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाके बैठेगी, जो नई संगत है उनको नीचे बैठने दो, उनको थोड़ा सा यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस जो भी यहाँ जैसे भी चलता है उनको समझने दो, नीचे उन्हें बैठने दो। और नई संगत को होता भी था कि गुरुजी के सामने बैठे सामने बैठे। तो हमारे मन पे कभी कभी हमें लगता था कि हम जल्दी भी आ गए, आगे भी जगह मिल गई, और गुरुजी ने अब उठा के हमारे को ऊपर भिजवा दिया। तो ज़्यादातर टाइम तो चलो हम बैठ ही जाते थे, पर एक दिन की बात बताती हूँ कि मुझे काफ़ी जल्दी हम आए और हमें आगे गुरुजी के पास जगह मिल गई, हम बड़े खुश, मैं और मेरी भाभी। हमने सोचा आज तो हमारे किस्मत खुली हुई है, आज हम गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठेंगे और निहारेंगे मज़े से गुरुजी को और अपनी गुरबाणी सुनेंगे। लेकिन गुरुजी ने, जैसे ही गुरुजी गद्दी पे आके बैठे, गुरुजी ने कहा ऊपर जाओ ऊपर, और हमें हम जाके ऊपर बैठ गए बड़े भारी मन से। और ऊपर बैठ के मैं अपनी भाभी को ये बोल रही हूँ कि आज मेरा इतना मन था गुरुजी के पास बैठने का, इतना मन था, पर पता नहीं गुरुजी ने क्यों मुझे ऊपर भेज दिया। और ऐसे मैं बात कर रही हूँ कि इतने में सिंगला अंकल आते, सिंगला अंकल आए और मुझे आके बोले कि पूनम आंटी, गुरुजी ने नीचे बुलाया है तुमको, और वहाँ कह रहे हैं गुरुजी कि उसको यहीं बिठा दो। तो इतना मुझे, जब मुझे ऐसे शरीर में वो हो जाता है एकदम कि जब हम बहुत ही दिल से कोई चीज़ को हम बोलते थे ना, गुरुजी तक वो आवाज़ इतनी साफ तौर पे पहुँचती थी और वो उसी टाइम आपको मतलब पूरी भी होती थी आपकी ऐसी इच्छा जो कि उस समय में हो सकती है। जैसे मेरे को समोसा मिल गया, जैसे मुझे कई बार हमें टॉफियां मिल जाती थी, जैसे कई बार हम कोई खास तरह की मिठाई की भी हम कई बार इच्छा करते होते थे, तो वो भी हमारे को उस तरह तक भी गुरुजी ने हम लोगों को ब्लेस किया हुआ है। तो फिर मैं जाके नीचे गुरुजी के पास बैठे, उस दिन हमने गुरुजी के ही पास बैठ के लंगर किया। और मुझे ऐसे ध्यान आता है कि एक बारी मैं बैठी हुई थी और तब मैंने कंसीव कर रखा था, और मुझे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, मैं थोड़ा ही खा पाती थी, वॉमिटिश फील होता था। तो गुरुजी के पास बैठी थी और गुरुजी ने मेरी थाली में उन्होंने 4 रोटी और डलवा दी, और
मेरे पसीने छूटने लगे कि मैं ये अब रोटी कैसे खाऊंगी। तो मेरे सामने ही एक डॉक्टर आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा ये गुरुजी ने तेरे लिए डलवाई हैं, अब तेरे को खानी है। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या किस क्या कल्याण हमारा कर रहे होते थे जब वो हमें इस तरह से खिलाते थे। मैंने धीरे धीरे बैठ के, और क्योंकि लंगर थाली में, और वो आज तक वो रूल है वहाँ पर, आपको लंगर थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना होता है। मैंने धीरे धीरे करके वो सारी रोटी खाई, और शायद मैंने 6 महीनों में या कितने महीनों में उतना खाना खाया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल खा नहीं पाती थी। और गुरुजी की कृपा से हाँ मैंने खाया, और वो मुझे मेरे अंदर ही रहा, बाहर नहीं आया। तो इस तरह से किस फॉर्म में गुरुजी कल्याण कर रहे होते थे ये हम कोई नहीं जान सकता, ये वही जानते थे। और हमें ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए हर चीज़ को समझने की, क्योंकि सरेंडर से अपने आप डाउट्स हटते हैं, अपने आप आपको जो रास्ते हैं आपको प्राप्ति के, वो तभी खुलते हैं जब आप खुद अपने मन के ताले खोलो। तो ये तो एक पार्ट जो हुआ जो बच्चों से रिलेटेड है, और मेरी लाइफ का बहुत ही सिग्निफिकेंट चैप्टर है वो, जिसके लिए मैं आ जन्म क्या, अगर मेरे अगले भी कुछ जन्म है जिनका मेरा लेखा जोखा बचा है, तो मैं उन जन्मों में भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं, मेरा परिवार, अंकल, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे सास, मेरे ससुर, सब लोग, मतलब वो उन सबको पता है कि क्या हमको गुरुजी से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक जो मैं बताना चाहूँगी कि करीब 2004 में, 2003 में मेरे हस्बैंड को, जब वो पहले वाला ट्रांसफ़र ख़त्म हो गया, तो उसके 2 साल बाद गुरुजी ने, सॉरी नॉट गुरुजी ने, इंडियन ऑयल ने आकाश को बॉम्बे ट्रांसफ़र किया। तो चूंकि अभी दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, और मेरी नौकरी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में थी, और हमारी जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है, मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हूँ तो यहीं रहूँगी, तो मैं नहीं जा पाई। ये वहाँ गए, और 1 साल बाद, मतलब बीच में ये आते रहते थे, हम गुरुजी के पास जाते थे, मत्था टेकते थे। इतने में एक बार जब ये आए, करीब 2004 के मार्च या फरवरी के एंड की बात है, जब हम मत्था टेकने गए, तो गुरुजी ने इनको कहा कि अब बच्चों को और पूनम आंटी को भी साथ लेके जाओ। इन्होंने मुझे आके बोला कि इस तरह से गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है, आज्ञा दी है, तो ये तो करना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये मैं कैसे करूं, क्योंकि करने का तरीका है, वो एक ही तरीका है कि या तो मैं यहाँ से छुट्टी लेके जाऊं, जो कि विदाउट पे होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेके जाऊं, और उसके अंदर बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स, वो जॉब जॉब में ब्रेक इन सर्विस आ जाता है, आपके प्रमोशंस में उसमें दिक्कत आती है, और मुश्किल से ही वो मिलती है। तो और दूसरा रास्ता था कि मैं पीएचडी परसू करूं, और पीएचडी की एक प्रोविजन है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आपको पेड लीव मिलती है फॉर 3 ईयर्स, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 2 ईयर्स बट विदाउट पे। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि पीएचडी में एनरोल होने के लिए इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, क्योंकि उसमें सिनॉप्सिस होता है, उसमें डीआरसी होती है, उसमें आपका प्रपोजल अप्रूव होना चाहिए, इंटरव्यूज होते हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, और मैं ऑलरेडी एक बारी 98-99 के आसपास ट्राई कर चुकी थी, और सक्सेसफुल में नहीं हो पाई थी, क्योंकि किसी भी प्रोफेसर के पास उस टाइम पे सीट अवेलेबल नहीं थी। तो वो मेरा सपना वैसे ही अधूरा रह गया, मैंने काफ़ी काम किया था लेकिन मेरा एनरोलमेंट नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि अब कैसे एनरोलमेंट हो जाएगा, अब तो मेरे पास दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ रहते नहीं, मैं कैसे मैनेज कर लूँगी। लेकिन गुरुजी ने कहा था, तो उनके कुछ ना कुछ तो उनके प्लान में होगा। तो गुरुजी का नाम लेके मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू दोबारा से ट्राई कर। एज लक वुड हैव इट, मैं डिपार्टमेंट जाती हूँ, तो वहाँ पर तभी तभी एक नए प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ था, प्रोफेसर जे पी शर्मा, काफ़ी रिनाउंड प्रोफेसर हैं,
और वो चूंकि नए आए थे डिपार्टमेंट में, उनके अंडर कोई भी स्टूडेंट तब तक रजिस्टर्ड नहीं था। तो किसी के थ्रू जान पहचान से मैं उनके पास गई पूछने के लिए कि इफ़ ही वुड बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग मी एज इज पीएचडी स्टूडेंट कैंडिडेट। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा क्या फील्ड है, क्या तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है। मैंने बताया मैंने बैंकिंग में पहले काम किया हुआ है, तो मैं बैंकिंग से ही रिलेटेड कर लूँगी, मेरा परिवार भी बैंकिंग में है काफ़ी। तो उन्होंने कहा ये तो मेरा एरिया नहीं है, मैं तो थोड़ा कॉरपोरेट गवर्नेंस के एरिया में काम करना चाह रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही कोई नया एरिया है ये तो। और चूंकि सिनॉप्सिस तैयार करने में कम से कम 6-6 महीने का टाइम लगता था, तो मुझे लगा 6 महीने का तो मुझे मेरे पास टाइम नहीं, और मैंने इतने सालों से जिस पे काम किया है मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। और मैं ऐसे उठ के वहाँ से चल भी पड़ी, लेकिन जो गुरुजी ने पता नहीं, और मतलब ये भी एक ऐसा हुआ कि वो प्रोफेसर, वो मुझे जानते नहीं, मैं उन्हें जानती नहीं, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई और उन्होंने मुझे बोला कि एक बात बताओ पूनम, तुम क्या नए एरिया में काम नहीं कर सकती? मैंने कहा सर कर तो सकती हूँ, लेकिन अब एक नए सिरे से बिल्कुल नया सब्जेक्ट उठाना कितना ईजी होगा। उन्होंने बोला मैं तुम्हें थोड़ी लाइब्रेरीज का और थोड़े मैं रेफरेंसेस और कुछ लोगों के नाम बताता हूँ, तुम इन सबको मिलो जाके और देखो कि किस एरिया पे काम हो सकता है। मैंने हामी भरी और मैंने स्टार्ट किया अपना प्रोसेस। लगभग 4 या 5 दिन या 3-4 दिन बीते होंगे तो मुझे डिपार्टमेंट से सर का ही फ़ोन आता है कि परसों ना DRC की मीटिंग है और पूनम तुमने जितना भी काम कराया ना उसको फटाफट बस अब आप सिनॉप्सिस में उसको कंपाइल करो और सबमिट करो, परसों DRC में तुम्हारा इंटरव्यू है। और मैं, मेरे तो हाथ पैर फूल गए कि मैं तो अभी मतलब जस्ट मैंने अभी उसका थोड़ा जिस्ट ही बनाना शुरू किया था और ये क्या हो गया, मैं तो कैसे मैं फेस करूँगी। सब 8-9 प्रोफेसर्स उसमें बैठे होते हैं जिनका 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा वो तो मुझे उधेड़ देंगे बिल्कुल मेथडोलॉजी के ऊपर और तमाम चीज़ों के ऊपर। सर ने कहा आप प्रिपेयर करो और आप फटाफट उसको सबमिट करो। मैंने मेहनत करके दिन रात मतलब जाग कर मैंने सिनॉप्सिस सबमिट किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, समहाउ मेरा इंटरव्यू अच्छा ही हो गया और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। मतलब आप ये सोचिए कि जिस चीज़ के लिए लोग सालों साल धक्के खाते हैं, और मैंने भी 2 2 साल तो मैंने भी खाए, वो जब गुरुजी ने चाहा तो वो मेरा 1 महीने के गैप में मेरा ये सब कुछ हो गया। 1 महीने से भी कम के गैप में आई वुड से मेरा एनरोलमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा अप्रूवल आ गया यूनिवर्सिटी से। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप था वो ये था कि मैं कॉलेज में छुट्टी के लिए अप्लाई करूं ताकि मैं आकाश के साथ जा सकूं बॉम्बे। तो मैंने अप्लाई किया एंड एज लक वुड हैव इट, उसमें भी वैसे एक हर्डल होता है कि अगर 10% से ज़्यादा का स्टाफ आपका छुट्टी पे है तो आपको नहीं मिल सकती, लेकिन मेरी किस्मत तो गुरुजी ने लिखी थी उस टाइम पे। तो एक टीचर ने उसी टाइम अपनी PhD सबमिट करी और मेरा विद इन कोटा मेरा नंबर आ गया और मुझे छुट्टी सैंक्शन हो गई, और बहुत जल्दी मुझे सैंक्शन हो गई। मैं तुरंत अपना मैंने बैग पैक किया और बच्चों के साथ ही मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ। वहाँ हमने फ्लैट लिया जहाँ पर सिंगला अंकल के बेटे हैं अरविंद, वो बहुत रेगुलरली वहाँ आते थे। और वो मुझे खुद ही बताते हैं कि गुरुजी ने उसको उनको कहा था कि पूनम आंटी के घर ज़रूर जाया करो और जाके ना वहाँ सत्संग किया करो। तो सत्संग का अर्थ ये होता था कि फिर हम गुरुजी की बातें करते थे, वो हमें कई सारी बातें जो दिल्ली में हो रही होती थी उनके बारे में बताते थे, और हम अपनी लाइफ में जो हमारे अच्छा और सुंदर हो रहा होता था हम वो सब के बारे में बात करते थे। तो ये सत्संग होता था। तो सत्संग 2 लोगों के बीच में भी हो सकता है और वो कई सारे लोगों के बीच में भी हो सकता है। जब भी आप गुरुजी का शुक्राना करें वो सत्संग है। आप अकेले में भी सत्संग कर सकते हैं, आप गुरुजी की फ़ोटो के आगे भी बैठ के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे कमरे में ये लगी रहती है और हम दिन रात ही शुक्राना करते हैं, तो वो भी सत्संग है। तो हम बॉम्बे हम चले गए और मेरा वहाँ पर PhD का जो मेजॉरिटी जो फील्ड वर्क है मेरा वो वहीं का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर देयर, उनके हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में ही हैं, और मेरा PhD का जो मेजर वर्क है वो बॉम्बे बेस्ड है। तो वो तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था और
उसमें मैं जो एक एडिशनल बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे पीएचडी करने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता था, और एक बार ऐसा मुझे गुरुजी ने पूछा भी कि पीएचडी का क्या मतलब होता है, तो मैंने अपनी बुद्धि से बताना शुरू किया कि गुरुजी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, तो गुरुजी ने कहा नहीं वो तो होता है पागल होने का डर। तो ये बात सुन के बहुत मुझे हंसी आई, और मुझे ये भी समझ में आया कि हाँ जो अक्सर लोग मतलब आप मानिए कि वो काफ़ी लोग ना बहुत सालों तक एक ही चीज़ को करते 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 उन आधे तो वो पागल ही हो जाते हैं, पर गुरुजी ने मुझे पागल नहीं होने दिया। गुरुजी ने ऐसा किया कि मैंने रिकॉर्ड टाइम में अपनी पीएचडी सबमिट करी, मैंने 2.5 ईयर्स में, मतलब अभी मेरी छुट्टी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, मैंने 2.5 ईयर्स में अपनी पीएचडी सबमिट करी, और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि इतने कम टाइम में मैंने अपनी पीएचडी सबमिट करी। और वो बहुत अच्छी पीएचडी मानी जाती है कॉरपोरेट गवर्नेंस की फील्ड में, वन ऑफ द फर्स्ट वंस, क्योंकि वो तभी तभी ये नया कॉन्सेप्ट चला था। और मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस अभी मैंने अपने पास रखी नहीं है, मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस गुरुजी से ब्लेस भी कराई थी, गुरुजी ने उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी करके साइन भी करा हुआ है, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही ट्रेजर्ड पोजेशन है। और तो ये तो गुरुजी की महिमा की मैं आपको बात बताऊं कि वो आपके ना सारे सारे दुखों को अपने पास रख लेते हैं और सब चीज़ों से आपको निजात दिलाते जाते हैं, बस सिर्फ कंडीशन यही है कि आपको उनके साथ जुड़े रहना है और अपने मन में कोई शंका नहीं आने देनी है। ये ऐसे हमारे गुरुजी बिल्कुल शिव जी के अवतार, बिल्कुल भोले, और आपको जो आप श्रद्धा से मांगोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इवन जब मेरी जब पीएचडी भी सबमिट हुई तो उसमें वाइवा होता है, और जब वाइवा में एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स होते हैं वो आते हैं आपका ग्रिलिंग करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जब मेरा वाइवा हुआ, 20-25 लोग पीछे बैठे होते हैं जो आपको सुन रहे होते हैं, और सामने एक पैनल बैठा होता है तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, तो जब उन्होंने मेरे से सवाल किए, मैंने जवाब दिए अपनी जो मुझे समझ आता रहा, और चूंकि मेरा ही काम था तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, मैंने वो सब जवाब दिए, और जब उन्होंने मेरे को मुझे कॉन्फर कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं लास्ट में, जिसका अर्थ होता है कि अब आप डॉक्टर की उपाधि अपने नाम के आगे लगा सकते हो, और वहाँ से मैं डॉक्टर पी पूनम पी सेठी के नाम से मैं जानी जाने लगी, तो ये भी गुरुजी की एक कृपा है। तो तब मैं जब बाद में मेरी उन प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, तो उन प्रोफेसर साहब ने मुझे एक बात बोली जो कि मेरे आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आपका इंटरव्यू चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रूम के अंदर कोई डिवाइन पावर है। अब उनके वो कौन से वाइब्रेशंस महसूस कर पा रहे थे, मुझे तो पता ही था कि मेरे साथ गुरुजी खड़े हुए हैं, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही गुरुजी के चलते था। और तब और जब वाइवा मेरा होना था उससे एक दिन पहले, तो मैं वैसे भी जाके गुरुजी को मत्था टेक कर आई थी और बता कर आई थी, और गुरुजी ने कहा था चिंता ना कर वधिया होगा, तो वो सब कॉन्फिडेंस तो मेरा अपना था ही था। लेकिन जो सबसे सुंदर बात है वो ये कि जिस व्यक्ति ने गुरुजी को कभी देखा भी नहीं, जिस जिस जिसको कभी पता भी नहीं कि मैं फॉलो करती हूँ या मैं मतलब मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इवन उन्होंने भी महसूस किया कि उस रूम में उस टाइम पे एक डिवाइन पावर थी। तो ये तो मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल अननोन लोगों को भी महसूस होता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, कि कितने लोग कई बार हमें बोलते हैं तुम लोग बहुत ब्लेस्ड हो, और हम कहते हैं कि हाँ हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, गुरुजी की बहुत कृपा है, कोई तरह की परेशानी नहीं है, आती भी है तो वो गुरुजी ऐसे करके उसको ख़त्म करते हैं। तो ये मैं ऐसे ये परेशानी वाली कुछ बातें आपको बताती हूँ कि सोनिया आंटी मैंने एक्सीड तो नहीं कर लिया अपना टाइम, क्या मैं आगे की बात करती रहूँ? तो मैं मानती हूँ कि शायद मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो 2005 में जब हम बॉम्बे में रह रहे थे,
तो आप सबको याद होगा कि एक मेजर फ्लड फ्लैश फ्लड्स आए थे मुंबई में, जब बहुत जान और माल की बहुत हानि हुई थी वहाँ पर, और बहुत डैमेज हुआ था मुंबई को, और वो इतना सडन हुआ था कि लॉट ऑफ पीपल यू नो लॉस्ट देयर लाइफ, और प्रॉपर्टी का तो बहुत ही डैमेज हुआ था। तो मेरे हस्बैंड उस दिन ऑफिस गए हुए थे, और पता नहीं उस दिन क्या मैं बताऊं कि मेरे बच्चों का आफ्टरनून स्कूल होता था, तो सुबह से ही उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और मैंने क्या सोच के मैंने उस दिन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था, और वो मुझे बाद में समझ में आया कि कितना मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने उस दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि जो बच्चे उस दिन स्कूल चले गए, उस दिन कोई बच्चा अपने घर नहीं आ पाया था, वो स्कूलों में ही बैठे रहे, चाहे वो 2 साल के बच्चे थे, 2.5 साल के बच्चे थे, वो स्कूलों में ही बैठे बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी, रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था, पूरी एंटायर मुंबई वॉज इन टोटल डार्कनेस, क्योंकि जो इन्वर्टर्स इन्वर्टर्स बॉम्बे में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है नॉर्मली, तो पीपल डोंट कीप इन्वर्टर्स। अब आज का मुझे नहीं पता, लेकिन तब तो ऐसे ही था कि मुंबई इज़ नोन टू बी अ सिटी विच इज़ ऑलवेज रोलिंग यू नो, तो वहाँ कभी लाइट वाइट नहीं जाती। तो मैं बताऊँ कि उस दिन मैंने बच्चों को भेजा नहीं, और शाम तक ऐसा होने लगा कि इतनी बारिश होने लगी कि पानी जो भर के जो नॉर्मली चला जाता है पानी, उस दिन पानी कहीं जा ही नहीं रहा, और भर के हम मल्टी स्टोरी में रहते थे अंधेरी में, तो हमारे फर्स्ट फ्लोर के जो बालकनी है उसके नीचे तक पानी आ गया, पूरी जो लिफ्ट्स थी उनके अंदर पानी भर गया, जो ग्राउंड फ्लोर पे कुछ रेजिडेंट्स रहते थे उनके घरों में पानी भर गया, और जितनी गाड़ियां वहां कॉम्प्लेक्स में खड़ी हुई थी सारी की सारी पानी में डूब गई। और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने आकाश को फ़ोन करके बोला कि मेरे ख्याल से ना आपको गाड़ी यहाँ नहीं लानी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पूरा डूबा हुआ है, समुद्र बना हुआ है, समुद्र में गाड़ी लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे सड़कों का हाल पता नहीं है, मेरी एडवाइस है कि आप अपने ऑफिस में ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि यहाँ भी बेसमेंट में पानी भर रहा है और यहाँ भी गाड़ी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बोला कि आप देखो आपको क्या करना है, लेकिन प्लीज़ आप इधर तो गाड़ी मत लेकर आना, और मुझे नहीं पता आपको पैदल भी नहीं चल के आना चाहिए, क्योंकि पानी तो, और मेरे हस्बैंड को स्विमिंग नहीं आती है, और मैंने बोला कि पानी तो इंसान की हाइट से बहुत ऊपर है, तो और नालों का पता नहीं लग रहा है जहाँ पर ओपन जैसे ड्रेन्स कॉलोनी के अंदर बने होते हैं, मैंने कहा कुछ भी नहीं पता लग रहा है, प्लीज़ डोंट टेक एनी रिस्क। और तब तक शाम होने लगी थी, कोई लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट्स उड़ चुकी थी, घरों की लाइटें उड़ चुकी थी, हम लोग टोटल जो मोमबत्ती वगैरह हमारे पास थी हम उससे काम चला रहे थे, या इमरजेंसी लाइट्स। तो मैं बार बार ही घबराहट में फ़ोन कर रही थी, तो इन्होंने मुझे बोला कि हम गाड़ी से निकल गए, और मेरे साथ एक और मेरा कोलीग है जिनका बच्चा स्कूल में फंसा हुआ है, हम जाके पहले उस बच्चे को मिलेंगे और फिर हम देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। ये गए हैं, उसके बच्चे को मिले हैं, उसके टीचर को मिले हैं, उन्होंने उनको एश्योर किया कि बच्चे इधर सेफ हैं, ऑल दो वी कांट सेंड, क्योंकि कोई भी लेके तो जा नहीं सकता बच्चे को, ना कोई लेने आ सकता है, आप चिंता ना करें बच्चे हमारे पास हैं। तो वो बच्चे को अपने मिले और ये लोग बाहर निकले, और बाहर निकल के इन्होंने देखा कि सब जगह पानी भरा हुआ है, इन्होंने अपनी समझ से एक जगह थोड़ी सी जो थोड़ी सी एलिवेटेड थी इन्होंने जाके वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी, और तब इनका मुझे फ़ोन आता है या मैंने इनको फ़ोन किया कि अब आप कहाँ हो, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम एक ऐसी जगह पे अभी खड़े हैं जो थोड़ा सा जहाँ पर पानी नहीं है, हमारे टायर्स को टायर्स अभी हमारे पानी में नहीं खड़े हुए हैं, और मेरे आगे एक बस खड़ी हुई है, अगर बहुत बहुत ही ऐसा हो जाता है कि बारिश रुकती नहीं है और ये भी जगह भरने लगती है, हम चढ़ के बस के ऊपर बैठ जाएंगे। तो ये मेरी इनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई, और इन्होंने मुझे बोला कि ना तू बार बार फ़ोन मत कर, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ड्रेन हो रही है, और मेरे भी घर में कोई कनेक्शन नहीं था तो फ़ोन मेरा चार्ज नहीं हो पा रहा था, और बिल्कुल भी मतलब अंधेरा हो चुका था घर के अंदर, कोई कनेक्शन दूसरी भी लैंडलाइंस वगैरह सब अपने आप बंद हो चुकी थी। तो ये मेरी इनके साथ लास्ट बातचीत हुई, जब भी लास्ट मतलब शाम के थोड़ा 8-9 बजे के आसपास इन्होंने बोला अब तू चिंता मत कर और अब मुझे फ़ोन भी मत करना। किसी तरह से पूरी रात मैंने गुरुजी का नाम लिया, हम
मैं सोई ही नहीं उस दिन रात को, गुरु जी का यही गुरु जी के फोटो को लेके मैं ऐसे ही बैठी रही कि गुरु जी इनका ख्याल रखना, इनका ध्यान रखना। अगले दिन करीब 5 बजे मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी के साथ लौटे, और वो इसलिए इनको आने में लेट हुआ क्योंकि रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके थे, कई गाड़ियां ख़राब होके वहां पर अटकी हुई थी। तो जब वो थोड़े रास्ते साफ़ हुए तो ये गाड़ी लेके वहां से निकले, और कॉलोनी का पानी भी तब तक रिसीड कर चुका था, और ये सेफली घर पर पहुंचे। और हमने तब हमने रियलाइज़ किया कि प्रॉबेबली जितनी भी गाड़ियां थी उस कॉम्प्लेक्स की, इंडियन ऑयल के कॉम्प्लेक्स की, जो तो ऑफिस में खड़ी थी वो पानी में डूब गई, जो कॉम्प्लेक्स में खड़ी थी वो पानी में डूब गई। एक हमारी गाड़ी एक ऐसी थी जो मतलब सुबह घर से निकली थी और वो चाहे अगले दिन वापस लौटी, लेकिन उसमें कोई डैमेज नहीं था, ना लाइफ का ना प्रॉपर्टी का। और आप ये देखिए कि वो एपिसोड अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स निकालें, कितने लोग गाड़ी के अंदर मर गए क्योंकि वो उन्होंने वो सो गए अंदर, शीशे बंद कर लिए, एसी चला लिया, क्या हुआ मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन लॉट ऑफ पीपल डाइड इनसाइड द कार ड्यू टू एस्फिक्सेशन। और कई सारे लोग जिन्होंने गाड़ियां छोड़ दी और उन्होंने सोचा हम पैदल चल के घर चले जाते हैं, वो गटर्स में बह गए। और बहुत लोग मतलब आई नो लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर। तो उस वक्त हमें समझ में आया कि गुरु जी ने हमारे ऊपर कितनी कृपा करी है। एक कष्ट था जो उन्होंने हमारा कैसे निकाल दिया, ना तो गाड़ी को ना किसी के जान को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। और वो हमारे हमें समझ में आया कि ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और ये कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाता है 2007 के थोड़ा बिगनिंग में, और वो उस टाइम पे मेरे पास एकदम से कोई रहने के लिए घर नहीं था क्योंकि मेरे इन लॉज का घर थोड़ा रेनोवेट हो रहा था, और मदर के घर पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकी। लेकिन हमारे पास चूंकि बहुत सामान था, बॉम्बे का पूरा फुल फ्लेज फैमिली का सामान था, फर्नीचर एंड एवरीथिंग, फ्रिज टीवी एंड व्हाटएवर यू नो, सो वो सब सामान था। तो मेरे लिए दिक्कत हो गई कि मैं अब हम कहाँ ठहरें। तो हम सोच ही रहे थे कि करते हैं। तो इतने में ऐसा हुआ कि कॉलेज में एक मकान जिसमें मैं अभी बैठी हुई हूँ, ये कॉलेज का मकान है, तो कॉलेज में ये मकान के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट हुई, तो मैंने भी अप्लाई किया। ऑल्दो आई वॉज नॉट होपफुल कि ये मुझे मिलेगा क्योंकि मेरी सीनियोरिटी उतनी नहीं थी और ये सीनियोरिटी से मकान अलॉट होते थे, और जो जितना मुझे पता लगा मेरे से ऊपर एक सीनियर थे जिनको ये मकान अलॉट हो गया, तो मुझे नहीं मिला। और मैंने सोचा कि अब मैं कहीं और देखती हूँ, कहाँ रहूँगी, क्या करती हूँ, बच्चे भी दोनों छोटे और नौकरी करनी है, तो मुझे ये भी अरेंजमेंट देखना था कि भाई बच्चे पीछे से निग्लेक्ट ना हो। तो अभी हम ये सब सोच ही रहे थे कि मुझे एकदम से कॉलेज से कॉल आया कि जो आपसे ऊपर थे उन्होंने अच्छा इससे पहले ये हुआ कि जब हम गुरुजी के दरबार में मत्था टेकने हम जाने लगे, जब हम दिल्ली आ गए तो हम जाने लगे, तो मैं गुरुजी के पास जब हम गए तो मैंने गुरुजी, तो उस दिन ऐसा हुआ एक ये वाले सारे स्वरूप जो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगा हुआ है, इसके ऊपर गुरुजी ने ब्लेसिंग्स ऑलवेज करके साइन करा हुआ है और गुरुजी के साइन भी हैं इसमें। तो ये बहुत सारे स्वरूप उस दिन आए और गुरुजी सबको साइन करके संगत में बांट रहे थे। सारे स्वरूप बट चुके थे, एक स्वरूप बचा हुआ था। मैंने मन ही मन वहां बैठ के ये सोचा कि अगर ये स्वरूप मुझे मिल जाता है तो मैं ये मान लेती हूँ कि शायद, और ये स्वरूप मुझे कॉलेज वाले घर में लगाना है, अगर मुझे कॉलेज वाला घर मिल गया तो। मैंने ये मन में ऐसा सोचा, और जब मेरा मत्था टेकने की बारी आई, जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मुझे कहा कि पूनम आंटी ये वाला स्वरूप तू ले जा। और वो लास्ट स्वरूप था, आप मानेंगे नहीं, मैं इतनी खुश और मुझे इतना विश्वास हो गया कि अब तो ये घर मुझे अलॉट हो जाएगा। और आप सच मानिए 30th May 2007 गुरुजी के चोला छोड़ने से जस्ट एक दिन पहले की बात है,
उससे थोड़े दिन, 2-4 दिन पहले ही मैं ये लेकर आई थी गुरुजी से, 1 या 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे दिया था। 30 मई की शाम को मुझे कॉलेज से फ़ोन आता है कि जो आपसे सीनियर थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि कोई एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आ गई है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं तो उनका डबल HRA कटेगा, हस्बैंड का भी कटेगा वाइफ का भी कटेगा, अगर वो ऑफिशियल अकोमोडेशन अवेल करते हैं। और उसके चलते वो वाले कपल, वो दोनों क्योंकि यूनिवर्सिटी में काम करते थे, उन्होंने वो विड्रॉ कर ली और ये मुझे अलॉट हो गया। तो और नेक्स्ट डे गुरुजी ने चोला छोड़ा, वो तो हमारे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि मैं उसका शायद बयां ही नहीं कर सकती। और सबको, हम सबको ऐसे लगा कि हम सब जैसे पता नहीं अनाथ हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही, हमारे को, हमें, हम सबको ऐसी आदत थी कि कुछ नहीं समझ में आ रहा चलो गुरुजी के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछ लेंगे, वो बता देंगे क्या करना है नहीं करना है। मतलब हमें इतनी आदत पड़ चुकी थी गुरुजी की कि हम उनको वर्चुअली, मतलब हम सोचते थे कि जैसे हमारी आगे की जनरेशंस तक को गाइड करते रहेंगे गुरुजी, इस तरह का हमारे को, हम सबको आदत हो गई थी। तो जब गुरुजी ने अगले दिन चोला छोड़ दिया और जो भी हमें समय लगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, वो तो एक है ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट। लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ने जाते वक्त मुझे ये गिफ्ट दिया, ये घर, जिस घर के चलते मैं आपको बताऊं कि मैं नौकरी करती हूं और मैंने अपने दोनों बच्चे इतने आराम से पाले, क्योंकि मैं उनके स्कूल जाने के बाद मैं कॉलेज जाती थी और उनके स्कूल से आने से पहले मैं घर आ जाती थी। कि मुझे एक बार ये भी याद है कि मेरा बेटा मुझे कहता है कि आप नौकरी करते भी हो या हमको बोलते रहते हो ऐसे। तो जब तक उनको ये समझ, ज़्यादा समझ नहीं थी, तो मैंने बोला कि बेटा मैं तुम्हारे आने से पहले आ जाती हूँ। और चूंकि कैंपस पे रहती हूँ और मेरे ख्याल से मुश्किल से अगर मैं गिनूँ तो 50 या 60 कदम पे मेरी क्लासरूम है, तो अगर कोई काम रह भी गया, कोई चीज़ रह भी गई, तो मैं वो घर आके दोबारा भी जाके कर लेती हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है कि जो गुरुजी ने मेरे लिए अरेंज किया कि जब वो दो बच्चे दिए तो उन्होंने मुझे उनको पालने के सहूलतें भी दी, मेरे को जरिया भी दिया, और जिसके लिए तो ऑब्वियसली मैं बहुत, गुरुजी का कितना भी शुक्राना करें तो वो पूरा नहीं है, वो शब्द ही नहीं है हमारे पास। तो और चूंकि अभी मेरे हस्बैंड भी 5 साल बाहर, दोबारा से इनकी पोस्टिंग हो गई थी 2016 में, तो ये चले गए थे और मैं यहाँ पे, मैंने क्योंकि दोनों बच्चों की पढ़ाई ऐसे क्रूशियल फेजेस में थी, 9th 10th 11th 12th इनका चल रहा था, ये तब उस स्टेज में थे, तो मेरे लिए तब छुट्टी लेके जाना भी पॉसिबल नहीं था और फिर स्कूल्स चेंज करना भी पॉसिबल नहीं था। तो ये 5 साल मैंने यहीं रह के इसी घर में अपनी जॉब करते हुए और अपने बच्चों का ध्यान करते हुए मैंने यहीं पे गुरुजी की कृपा से अब ये इतने बड़े हो गए कि अब ये तो कॉलेज में ही आ गए हैं। तो इतना आसान है, वो मेरी सेहत के लिए भी बहुत मुझे समझ आता है कि इतने समय में मेरी सेहत भी, गुरुजी ने इसका भी इतना ख्याल रखा है कि आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में ट्रैवल का कितना स्ट्रेस है और दिल्ली में सिक्योरिटी इश्यूज़, क्राइम, छोटे बच्चों के को लेके, आप चाहे कितने भी नौकर चाकर सर्वेंट, कितने भी आप सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर लें, लेकिन नथिंग टू बीट व्हाट गुरुजी हैज़ गिवन मी इन टर्म्स ऑफ गिविंग मी दिस हाउस। यहाँ कोई किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, एकदम हरा भरा खुला, बड़े बड़े लॉन्स, बहुत सुंदर घर मुझे कॉलेज की तरफ से मिला हुआ है। यानी कि मैं कहूँगी कि गुरुजी का ये मुझे एक ऐसा गिफ्ट था जाने से पहले अपने, तो वो मेरे लिए एक, मेरी मेमोरी में डीपली इट इज़ लाइक एच्ड देयर। और शुरू में हमें बहुत लगा, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा हमें लगा कि ये कैसे हो गया कि गुरुजी चले गए हम सबको छोड़ के ऐसे। तब हमें ध्यान आया कि जब गुरुजी ये कहते थे ना कि पुरानी संगत ऊपर जाके बैठो, तुम सब मेरे ना शरीर से प्यार करते हो, तुम लोग शरीर से प्यार करते हो, तुम ना मेरे से मन से जुड़ो, मन से जुड़ो, तो ये बातें इतनी हमें समझ नहीं आती थी। हम तो यही सोचते थे कि नहीं जी गुरुजी हैं, हम शरीर से जुड़ना, मन से जुड़ना, इतनी बातें हम सोचते ही नहीं थे। हम तो कहते थे हमारे गुरुजी सामने बैठे हैं, अपने जो काम है निकलो, मतलब बताओ और
सुलझ अपने गुत्थियाँ सुलझवा लो। लेकिन जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो पहली बार तो ये बात समझ में आई कि जो गुरुजी कहते हैं कि मन से जुड़ो, मतलब मेरे फिजिकल फॉर्म से मत जुड़ो, वो पहली बार तो समझ आना शुरू हुआ। और उसके बाद से जब से समझ आना शुरू हुआ तो तब ये भी समझ आना शुरू हो गया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ ही हैं, हमारे संग हैं और हर समय हमारे साथ हैं। और ये एग्जाम्पल मुझे फिर प्रूव हुआ 2013 में। 2013 में मैं और मेरे हस्बैंड एक पार्टी में गए हुए थे। इनकी एलुमनाई पार्टी थी इंडिया हैबिटेट सेंटर में, ये सलवान के पड़े हुए हैं। हम सब लोग वहाँ पर डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे थे। और नॉर्मली मैं नहीं जाती थी क्योंकि बच्चे थोड़े छोटे थे, लेकिन उस दिन इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो मैं चली गई। और जब मैं वहाँ हम लोग पहुँचे हैं और हम लोग डांस वांस कर रहे थे तो एकदम से आकाश की तबीयत खराब हुई। ये जाके वहाँ पे एक सोफे पे बैठ गए तो मैंने जाके पूछा क्या हुआ, पानी वानी दिया। इन्होंने बोला पता नहीं, ऐसी थकावट कुछ लग रहा है, थोड़ा सा ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर इन्होंने कुछ ठीक से मुझे बताया नहीं। तो हम अपने मस्त हो गए, जैसे कि हम खा पी रहे थे, बाग गप्पे मार रहे थे। तो इतने में मैंने देखा कि आकाश सोफे से उठ के ये ज़मीन पे लेट गए और वहाँ इनको वॉमिट आती है। तो थैंकफुली मैं बोलती हूँ कि ये भी पता नहीं गुरुजी ने कैसा इंतज़ाम करा, वहाँ पर एक डॉक्टर फ्रेंड इनके, वो वहीं पार्टी में मौजूद थे, वो गंगाराम में डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनचंदा, उन्होंने कहा कि हम रिस्क नहीं ले रहे, मुझे ना आकाश तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इन्होंने बोला भी कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं हो जाऊँगा, मैं अभी थोड़ी देर लेटूंगा, ये वो क्या ऐसे करके कुछ भी बोला। तो वो डॉक्टर ने हमें अपने कार में डाला और वो उन्होंने रास्ते भर में सारा कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया। रात के 11:30 12 हो रहे थे, पूरे रास्ते उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया, आई वांट कार्डियोलॉजिस्ट, आई वांट इमरजेंसी रेडी, ये वो सब। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं, आधे घंटे में हम पहुँच गए होंगे शायद, जब से आकाश की तबीयत ख़राब हुई, जाते ही ECG हुआ इनका। ECG बिल्कुल ख़राब था, डॉक्टर्स ने बोला कि इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल OT में भेजो। OT में इनका जो भी स्कैन होता है वो होता है, उसमें नज़र आया कि इनका ब्लॉकेज है, 100% ब्लॉकेज है एंड इट कैन डेफिनेटली बी फेटल इफ़ नॉट एड्रेस्ड एट दैट मोमेंट। डॉक्टर ने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि स्टेंट डलेगा, आप बताओ करना है। और मैंने बोला कि डॉक्टर मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की, और जब जो आप कहोगे वही होगा। एंड दैट इज़ द टाइम यू नो, जब जो मेरे हस्बैंड खुद बताते हैं, जब वो अपना सत्संग करते हैं तो वो बताते हैं, तो मैं उनकी बात बताती हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे जब मैं वहाँ लेटा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब गुरुजी वहाँ पर आए हैं, या इनको लगा कि ये गुरुजी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और गुरुजी को कह रहे हैं कि आज तो गुरुजी लगता है आपसे मुलाकात होगी। तो गुरुजी ने इनको कहा कि अपनी औकात में रह, और जो तुझे तुझे काम दिए हुए हैं ना मैंने, पहले तू वो सारे पूरे कर। और ये कहते ही इनको लगा कि जैसे मुझे गुरुजी ने ऐसे करके धकेल दिया है। और कहते हैं कि और उसके 2 सेकंड के अंदर ही मुझे जो डॉक्टर्स कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, सडनली वो सब सुनाई देनी शुरू हो गई कि वो बातें कर रहे हैं कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इसमें स्टेंट डलेगा, इसमें ये देखो यहाँ पर ऐसे, जो भी वो बातचीत कर रहे थे वो उनको सुनाई देने लगी एकदम से, उससे पहले उनको नहीं सुनाई दे रहा था। तो विच मीन्स कि प्रॉबेबली हिज बॉडी वॉज मतलब ऑन दैट वर्ज ऑफ यू नो, आई डोंट इवन विश टू से इट। तो डॉक्टर्स ने इनका तुरंत से स्टेंटिंग करी और 2 या 3 दिन ये हॉस्पिटल में रहे, और उसके बाद ये एकदम ठीक हो गए और घर आ गए। और वो दिन है, आज का दिन है, मतलब ये ठीक हैं। और गुरुजी का मैं तो कितना भी शुक्राना करूं, बार बार बुक शुक्राना करूं, कितने भी सत्संग करूं, मैं शायद गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकती कि उन्होंने हमारे जीवन में किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाला है, परिवार को खुशहाल रखने के लिए उन्होंने कितने हमारे कल्याण किए हैं, कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को टाला है। और मैं संगत जी, मैं आपको बताऊं कि कई बार हमें पता भी नहीं होता कि
कि क्या चीज़ें गुरुजी हमारी अपने आप निवार देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो उनका तो शुक्राना हर वक्त भी अगर हम करें तो वो भी शायद कम है, क्योंकि वो हर वक्त आपका आपका ख्याल कर रहे हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं। बस आपसे बदले में एक ही चीज़ कि मैं कहूँगी, शायद कई बार वो इच्छा भी नहीं, गुरु जी तो शायद इच्छा भी नहीं रखते, क्योंकि हमने कई बार उनके दरबार में बहुत तरह के लोगों को देखा भी और सबको हमने पाते हुए देखा, और जबकि कई बार हमें लगता था कि गुरु जी हर एक को कैसे इतना प्यार कर लेते हैं, ये तो ऐसा है या वो वैसा है। लेकिन गुरु जी के दरबार में सब कुछ अनकंडीशनल है, गुरु जी सबको उतना ही प्यार करते हैं और आपके हमेशा आपके अंग संग हैं, हमेशा आपका ख्याल करते हैं। ये बात मैं जितनी बार कहूँ उतनी बार कम है, और जितनी बार आप इसको ग्रहण करें उतना अच्छा है। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग आज का यहीं समाप्त करती हूँ, और संगत परिवार आपसे विनती करती हूँ कि आप गुरु जी से जुड़े रहें और उनसे कल्याण करवाते रहें अपना। और